दोस्तों काफी सारे लोगों का बजट जो है वो 7,000 रुपए से नीचे होता है और वो कंफ्यूजन में रहते हैं कि उनके लिए कौन सा अच्छा स्मार्टफोन हो सकता है। तो मैं आज उनकी कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको ऐसे 6 स्मार्टफोन बताने वाला हूं जो 7,000 रुपए से नीचे आते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं वो 6 ऐसे स्मार्टफोन, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे वास्तविक टेक चैनल में। जी हाँ फ्रेंड्स, मेरी लिस्ट में जो नंबर 1 पे फोन आता है वो आता है एसुस का जेनफोन लाइट L1। इस फोन में आपको 5.4 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, 2GB 16GB स्टोरेज के साथ आएगा, 3000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, 13MP का बैक कैमरा देखने को मिलता है, 5MP का इसमें फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। सबसे अच्छी बात इस फोन की है, इसमें आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन वाला 430 प्रोसेसर देखने को मिलता है, तो ये काफी कमाल प्रोसेसर है। अगर मैं बात करूं इसकी प्राइस की, तो ये 4,999 रुपए में आपको देखने को मिलता है। 4,999 रुपए में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 430 वाला प्रोसेसर किसी भी फोन में नहीं आता है, इसीलिए ये फोन मैंने अपनी लिस्ट में नंबर 1 पे रखा है। तो अगर आप खरीदना चाहते हैं 5,000 रुपए का फोन, तो आप एसुस का जेनफोन लाइट L1 खरीद सकते हैं। वैसे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी को बजा डालो। बात करते हैं हम लोग यहाँ पे अपने दूसरे फोन के बारे में जो मैंने रखा है, वो आपका रखा है रियलमी का C2। ये फोन अभी हाल ही में लॉन्च किया है और इस फोन की अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं तो यहाँ पे 6.1 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, 2GB 16GB स्टोरेज के साथ आएगा। इसमें आपको हीलियो का मीडिया टेक वाला A22 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। बैक में यहाँ पे आपको दो कैमरे देखने को मिल जाते हैं, 13+2 MP का। फ्रंट कैमरे की बात करूं यहाँ पे, तो आपको 5 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। बैटरी की बात करूं यहाँ पे, तो बैटरी भी आपको इसमें लास्ट देखने को मिल जाती है, जो कि 4000mAh के साथ आती है। तो ओवरऑल ये फोन काफी ज्यादा अच्छा है। और मैं बात करूं यहाँ पे इसकी प्राइस के बारे में, तो ये आपको 5,999 रुपए में देखने को मिलता है। 6,000 रुपए में रियलमी का C2 आपके लिए एक बेस्ट बाय हो सकता है। अगर आप चाहें तो रियलमी का C2 भी परचेज कर सकते हैं। बात कर हम लोग यहाँ पे अगले फोन के बारे में, तो अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो रियलमी का फोन नहीं खरीदना चाहते हैं, तो मैंने उनके लिए एक और फोन रखा है 6,000 रुपए की प्राइस में, और ये वन ऑफ द बेस्ट फोन है, क्योंकि ये फोन सबसे ज्यादा हिट गया था। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ रेडमी के 6A की। इसमें आपको 5.45 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, 2GB 16GB के साथ आता है। प्रोसेसर इसमें आपको मीडियाटेक का हीलियो वाला A22 देखने को मिलता है। बैटरी इसमें 3000mAh की देखने को मिल जाती है। कैमरा इसमें 13MP का बैक कैमरा देखने को मिल जाता है, 5MP का इसमें आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल ये भी काफी ज्यादा अच्छा फोन है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये फोन रेडमी का सबसे ज्यादा बिका है, तो अगर आप चाहें तो Redmi के 6A को खरीद सकते हैं। वैसे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक तो कर दीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी पॉकेट थोड़ा सा ज्यादा बोलती है, तो मैंने एक वीडियो बनाई है कि अंडर 10,000 रुपीज में कौन से फोन है। उसमें मैंने आपको 6 ऐसे स्मार्टफोन बताए जो अंडर 10,000 रुपीज में आते हैं। उस वीडियो का लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आपको आई बटन में भी देखने को मिल जाएगा। अगर आपकी पॉकेट 10,000 रुपए तक बोलती हो, तो जाकर के एक बार उस वीडियो को जरूर से देख लें, क्या पता आपको उसमें से कोई फोन पसंद आ जाए। दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले फोन की तरफ, जो हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है, वो आता है लेनेवो का A5। ये फोन कुछ ही टाइम पहले लॉन्च किया था। इस फोन में आपको 5.45 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। बैक में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, 2GB 16GB के साथ आता है। कैमरे की बात करूं यहाँ पे, तो 13MP का बैक कैमरा देखने को मिल जाता है, 8MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। प्रोसेसर इसमें आपको मीडियाटेक का 6739 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। बैटरी इसमें आपको 4000mAh की देखने को मिल जाती है। अगर मैं इसकी प्राइस के बारे में बात करूं, तो आपको यहाँ पे 6,499 रुपए पे करने पड़ेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, 6,500 रुपए का ये फोन आता है। अगर आप भी फिंगरप्रिंट सेंसर के लवर हैं, तो इस फोन को कंसीडर कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम अगले फोन की तरफ, जो हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है, और इस कंपनी पर लोग वैसे कम ट्रस्ट करते हैं, लेकिन इस कंपनी का मैंने पर्सनली फोन यूज किया है, काफी ज्यादा कमाल का फोन था वो वाला। मैं बात कर रहा हूँ कूल पैड के बारे में।
जी हाँ फ्रेंड्स, कूलपैड ने हाल ही में अपना एक फोन लॉन्च किया है, कूलपैड कूल 3। इस फोन में आपको 5.7 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर देखने को मिलता है, इसमें आपको 3000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। कैमरे की बात करूं यहाँ पे तो 8 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है बैक कैमरा, और एक और कैमरा 0.3 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। बात करूं मैं यहाँ पे इसके फ्रंट कैमरे के बारे में तो यहाँ पे आपको 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस फोन की जो प्राइस है वो 5,999 रुपए है। जी हाँ फ्रेंड्स, 6,000 रुपए की प्राइस में ये फोन भी काफी ज्यादा अच्छा है। वैसे मैंने आपको 6,000 रुपए की प्राइस में 3 फोन बताए हैं, कूलपैड का कूल 3, रेडमी का 6A और आपका रियलमी C2। आपको इन तीनों फोन में से कौन सा ज्यादा अच्छा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले फोन की तरफ, हमारी लिस्ट में 6 नंबर पर आता है, ये फोन हाल ही में लॉन्च किया गया था। जी हां फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूं इन्फिनिक्स स्मार्ट 3 प्लस के बारे में। इसमें आपको जो डिस्प्ले देखने को मिल जाती है वो 6.22 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर की बात करूं यहां पे तो आपको मीडियाटेक का हीलियो वाला A22 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। बैटरी इसमें आपको 3500 mAh की देखने को मिल जाती है, 2GB 16GB के साथ आता है। अगर मैं बात करूं यहां पे इसके कैमरे के बारे में तो 13+2 मेगापिक्सल का आपको इसमें बैक कैमरा देखने को मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल का आपको इसमें सेल्फी देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल काफी डिसेंट फोन है। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं यहाँ पे तो इसकी प्राइस है वो 6,999 रुपए है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप इस फोन को खरीदना चाहते हैं तो आपको 7,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए एक चीज और बता दूं, इन्फिनिक्स काफी ज्यादा अच्छे स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है, तो ये इन्फिनिक्स का काफी ज्यादा अच्छा फोन है। वैसे आपका क्या कहना है इन्फिनिक्स के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये थे आपके 6 ऐसे स्मार्टफोन जो 7,000 रुपए से नीचे आते हैं। वैसे इन सारे फोन में से आपको सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा फोन लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वैसे मैं अगर आपको पर्सनली अपनी राय देना चाहूं तो मुझे 5,000 रुपए की जो प्राइस में Asus का Zenfone Lite L1 जिसमें आपको Qualcomm का Snapdragon वाला 430 प्रोसेसर देखने को मिलता है, वो किसी भी फोन में नहीं देखने को मिला है, तो वो मेरी तरफ से नंबर 1 पे था। आपको कौन सा अच्छा लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो बस यार, आज की वीडियो को बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को तो जरूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। मैं मिलता आपको नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।